Hello dear students, today I would like to talk to all of you on the topic articles. And today my focus will be mainly on A and M. In the Google Classroom, I had given you a question. He is dash European. Most of the answers were am, which is wrong. The correct answer is he is a European. Now let us find out why. जब हम English alphabets की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? There are 26 alphabets. Out of which there are how many vowels? 5 vowels and 21 consonants. ठीक है, ये हुई बात किसकी? अल्फाबेट्स की. बट जब हम आर्टिकल्स अप्लाई करते हैं, वी डू नॉट फॉलो द अल्फाबेट रूल कि एन के साथ एंड लगेगा ए ई आई ओ यू के साथ. ओके, वी डू नॉट फॉलो दिस रूल. वो 5 वॉवल्स का रूल हम नहीं फॉलो करते हैं. व्हाट वी फॉलो इज द साउंड्स. रूल इज दैट द आर्टिकल विच विल बी अप्लाइड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड ऑफ द वर्ड. अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश ऑफ विच 20 आर वोवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? मे बी दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल लिंग्विस्टिक्स. ओके, लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. नाउ सिंस वी हैव नॉट स्टडीड दीज 44 साउंड, हमने ये 44 साउंड नहीं पता हमें क्या है, और ये 20 वॉवल्स क्या है, 24 वॉवल्स, वी डू नॉट नो. दिस इज समथिंग इन द कोर्स ऑफ पीजी क्लास, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास में ये है. सो टूडे आई विल टेल यू अ सिंपल रूल जो आपको फॉलो करना है. दैट इज, हमारे हिंदी के जितने भी स्वर साउंड हैं, स्वर पता है आपको, वर्णमाला पता है, हमें से 80% ऐसे हैं जिन्हें वर्णमाला नहीं याद. एबीसीडी याद होगा बट वर्णमाला नहीं याद. सो स्वर साउंड्स जितनी भी हैं अ आ ई ई से लेके, वो सारी स्वर साउंड्स विल टेक एन. और जितने भी आपके व्यंजन हैं दे विल टेक ए. इसीलिए आपका आंसर गलत था. ही इज अ यूरोपियन, य साउंड था यहां पे. आया आपको समझ? व्यंजन और य व्यंजन है, इसीलिए अ साउंड. अब अगर मैं आपको बोलूं, इफ यू टेक अप अ सेंटेंस, से फॉर एग्जाम्पल, माय ब्रदर इज डैश एम ए, तो क्या आएगा? ही इज एन एम ए, एम. ओके, ही इज एन एम ए. अब अगर मैं बोलूं देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन माय टाउन, क्या आएगा? वर्ड तो यू है,
वॉवल्स वाले, लेकिन साउंड क्या है? यूनिवर्सिटी, यर साउंड अगेन. सो देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन माय विलेज. ओके, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. कॉपर इज एंड आएगा अ यूजफुल मेटल. राइट, नाउ वी से जॉर्ज इज डैश ऑनरेबल मैन. साउंड जो वर्ड यहां है वो तो एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड है ओ. दैट इज व्हाई जॉर्ज इज एन ऑनरेबल मैन. ओके, सो दिस इज द मेन कंसेप्ट, दिस इज द मेन आइडिया दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो वर्ड जिससे के साथ आपको आर्टिकल लगाना है आप उसकी साउंड चेक करोगे, आप उसका वर्ड नहीं चेक करोगे. वर्ड क्या है? एच. साउंड क्या है? ओ. अगर मैं ऑनेस्ट भी बोलूं तो क्या बोलूंगी मैं? अ ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन. आर, एन आर. ओके, वैसे ही ईयर, एन ईयर. ईयर अगेन एन ईयर. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच इज द मोस्ट, जिसको हम ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड बोलते हैं. मैंने पहले भी ये वर्ड मेंशन किया था. इफ यू रिमेंबर दिस यू विल नेवर डू अ मिस्टेक व्हेन यू विल बी डूइंग द क्वेश्चन ऑन फिलअप आर्टिकल्स. To conclude, now, once again, I will say that all the vowel sounds, जो कि हमारे हिंदी के स्वर हैं, vowel, अब यहां पे confusion कैसे create हो रहा था? जैसे मैंने आपको बोला हम vowels ले लेते हैं, A, E, I, O, U, but don't take the words. What do you have to take their sounds. स्वर साउंड्स जो मैंने यहां आपको बताया, इट इज जस्ट अ ट्रिक दैट यू हैव टू यूज. बट ये स्वर साउंड्स भी कुछ नहीं है, दे टू आर योर वोवल साउंड्स. सो ऑल वोवल साउंड्स और द स्वर साउंड्स विल टेक व्हाट? दे विल टेक एन. एंड ऑल कॉन्सोनेंट साउंड्स विल, जिन्हें हम व्यंजन भी कहते हैं, जो हिंदी के व्यंजन है, उन्हें व्यंजन नहीं कहते, लेकिन हिंदी के जो व्यंजन है वो वाली साउंड्स जो है वो सब ए लेंगी. सो वोवल साउंड्स यहां पे वोवल साउंड्स आ रही हैं सब में. यूरोपियन, सॉरी, ऑनरेबल. ओके, यू आर गेटिंग वोवल साउंड्स ओवर हियर. एंड वेयर यू हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड, यूरोपियन फॉर दैट मैटर, दे विल टेक अ. नाउ आई विल गिव यू regular exercises on this so that this concept is clear to all of you. Thank you so much. Have a good day.